Hello students, I am going to continue with the chapter Angles and its measurements from 11th science. Exercise 1.2, question number 5. So the example is two arcs of the same length subtend angles of a 60 degree and 75 degree at the center of two circles. So what is the ratio of radii of two circles? तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमें जो एग्जाम्पल है उसमें दिया है कि टू आर्क्स ऑफ सेम लेंथ, मतलब जो दो आर्क हमें दिए हैं उनके लेंथ सेम है और दोनों ने जो एंगल फॉर्म किया है वो है 60 डिग्री एंड 75 डिग्री। तो मैंने यहाँ पे एक रफ फिगर ड्रॉ की है, ये पूरा सर्कल तो मैंने नहीं ड्रॉ किया, सिर्फ ये सेक्टर का पार्ट निकाला है। तो ये जो लेंथ ऑफ द आर्क है वो दोनों का सेम है, तो मैंने एस एस ऐसे लिखा है बिकॉज वी डिनोट द लेंथ ऑफ द आर्क बाय एस। तो दोनों का आर्क लेंथ ऑफ द आर्क सेम है तो मैंने दोनों जगह पे एस एस लिखा है। एंगल जो उन्होंने सबटेंड किया है वो है 60 डिग्री एंड सेकेंड वन इज अ 75 डिग्री। सो थीटा वन इज 60 डिग्री एंड थीटा टू इज 75 डिग्री। नाउ यहाँ पे ये फर्स्ट जो आर्क है उसका जो रेडियस है इस सर्कल का वो है आर वन और दूसरे का है आर टू। तो लेट रेडिया ऑफ द सर्कल्स आर आर वन एंड आर टू, यहाँ पे आर वन है सो इट इज़ आर वन एंड आर टू एंड द सेंट्रल एंगल्स आर थीटा वन एंड थीटा टू। सो वी हैव द फॉर्मूला दैट इज एस इज इक्वल्स टू आर थीटा। यहाँ पे दो आर्क है हमारे पास, तो मैंने क्या किया है एस इज इक्वल्स टू आर वन थीटा वन एंड द सेकेंड वन इज एस इज इक्वल्स टू आर टू थीटा टू। दोनों जगह पे एस सेम ही रखा है क्योंकि हमारे एग्जाम्पल में दिया है कि दोनों का लेंथ सेम है तो इसलिए दोनों जगह पे एस ही है। तो यहाँ पे थीटा वन जो है वो 60 डिग्री है एंड थीटा टू जो है वो 75 डिग्री है। नाउ वी गोइंग टू सॉल्व दिस टू एग्जाम्पल्स टू इक्वेशंस। सो यहाँ पे वन एंड टू इक्वेशन है, दोनों का एल एच एस दैट इज लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो अल्टीमेटली राइट हैंड साइड भी सेम होता है। अगर दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होता है। सो वी गेट हियर दैट इज आर वन थीटा वन इज इक्वल टू आर टू थीटा टू। तो ये आर वन मैंने यहाँ पे रखा है, यह है आर टू, यहाँ पे आके डिवाइड होगा। सिमिलरली थीटा टू ऐसे ही रखा है, यहाँ पे आके थीटा वन डिवाइड होगा। नाउ वी गोइंग टू पुट डाउन द वैल्यू। सो आर वन अपॉन आर टू इज इक्वल टू थीटा टू था 75 एंड आर टू था 60। तो ये सॉल्व करके हमें जो रेशियो मिला यहाँ पे आर वन इज टू आर टू वो है 5:4। इन दिस एग्जाम्पल वी जस्ट ओनली आज दैट इज वी हैव टू फाइंड आउट द रेशियो ऑफ रेडिया ऑफ टू सर्कल्स। सो द आंसर इज 5:4। नाउ सी द एग्जाम्पल नंबर 6। द एरिया ऑफ अ सर्कल इज 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स आर्क सबटेंडिंग एन एंगल ऑफ 144 डिग्री एट द सेंटर। ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेक्टर। तो यहाँ पे हमें जो दिया है वो मैंने यहाँ पे लिखा है दैट इज एरिया ऑफ द सर्कल इज 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर एंड यहाँ पे जो एक फिगर मैंने रफ ड्रॉ की है, यहाँ पे जो एंगल सबटेंड हो रहा है वो है 144 डिग्री एंड वी हैव टू फाइंड आउट। क्या फाइंड करना है हमें, एरिया भी फाइंड आउट करना है और हमें लेंथ भी फाइंड आउट करना है, मतलब एस एंड ए बोथ वी हैव टू फाइंड आउट। तो जो थीटा हमें दिया गया है वो हम पहले रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, 144 डिग्री इंटू पाई अपॉन 180 तो रिड्यूस करके हमें मिला 4 पाई अपॉन 5 रेडियन। तो यहाँ पे हम फर्स्ट एरिया ऑफ द सर्कल फाइंड आउट जो दिया है हमें वो फाइंड आउट करेंगे। तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला आपको पता है दैट इज़ पाई आर स्क्वायर एंड एरिया ऑफ द सर्कल हमें दिया गया है एग्जाम्पल में वो है 25 पाई। तो यहाँ पे मैंने वो वैल्यू पुट डाउन की, 25 पाई इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। सो दिस बोथ द पाई गेट कैंसल्ड एंड सो वी गेट हियर आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। मतलब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर, बाय टेकिंग द स्क्वायर रूट वी गेट दैट इज आर इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमें रेडियस मिल गई एंड थीटा तो हमारे पास पहले ही था, तो नाउ वी कैन फाइंड आउट एस। सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एस, सो एस इज इक्वल्स टू आर थीटा। तो वी गोइंग टू पुट डाउन द वैल्यू ऑफ आर दैट इज 5 एंड थीटा इज 4 पाई अपॉन 5। सो 5 गेट कैंसल एंड सो वी गेट हियर एस इज इक्वल्स टू 4 पाई एंड नाउ वी फाइंड आउट द एरिया बिकॉज हमने एरिया यहाँ पे फाइंड आउट नहीं किया था। तो एरिया ऑफ द सेक्टर हम फाइंड आउट कर दें बिकॉज यहाँ पे जो था तो वो एरिया ऑफ सर्कल था, यहाँ पे लेंथ ऑफ द
आर्क हमने फाइंड आउट की, नाउ वी गोइंग टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द सेक्टर. सो एरिया ऑफ सेक्टर का जो फॉर्मूला है वो है हाफ आर स्क्वायर थीटा. तो एरिया इज इक्वल टू हाफ, द रेडियस इज 5 स्क्वायर इनटू थीटा इज 4π/5. सो दिस 5 कैंसिल विद दिस 5, 2 टूज आर 4 एंड सो 5 टूज आर 10π cm². सो दिस इज द वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर. Now see the next example, example number 7. In this exercise there are total 10 examples. So area, sorry, 7th example, that is OAB is a sector of the circle having the center at O and radius is 12 cm. Measure angle AOB is equals to 45 degrees. Then find the difference between the area of the sector OAB एंड ट्राइंगल AOB. तो हमें पहले क्या दिया है वो जानने के लिए हम एक फिगर, रफ फिगर ड्रॉ करते हैं. तो हमें दिया है कि OAB इज़ द सेक्टर ऑफ द सर्कल. तो पहले हमने ये ड्रॉ किया, दैट इज़ OAB. सो इट इज़ द सेक्टर ऑफ द सर्कल हैविंग सेंटर दैट इज़ O एंड रेडियस इज 12. तो यहाँ पे 12 रेडियस 12 है, यहाँ पर भी रेडियस 12 है. एंड मेजर एंगल AOB जो एंगल है वो हमें दिया है 45 डिग्री. तो हमें क्या फाइंड करना है, डिफरेंस बिटवीन एरिया ऑफ सेक्टर. तो पहले हमें इस सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करना है, बाद में ये जो ट्रायंगल AOB है उसका भी एरिया फाइंड आउट करना है, और दोनों का डिफरेंस हमें फाइंड आउट करना है. तो पहले हमें जो थीटा दिया गया है उस थीटा को हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे. सो 45 डिग्री तो यहाँ पे हम क्या फाइंड आउट करेंगे, दैट इज़ पाई अपॉन 180 से हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे. So that it the degree will convert into the radian. So pi upon 4. तो आपको थोड़ा सा ये जो चीज़ें हैं वो थोड़ा सा आपको ध्यान में रखनी है. दैट इज़ मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर पाए है तो उसका मैं डिग्री बताती हूँ पहले. सो 180 डिग्री है तो इसका मतलब उसका पाए रेडियन हम आंसर लिखते हैं. अगर 90 हो इसका हाफ किया तो यहाँ पे क्या आ जाता है, पाए बाय 2 रेडियन आ जाता है. 60 हो तो उसको हम पाई अपॉन 3 रेडियन कहते हैं. देन आफ्टर दैट इज 45 डिग्री हो तो पाई बाय 4 हम उसको लिखते हैं. ये कैसे आता है आपको पता है, दैट इज 180 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूँगी तो आपको ये आंसर मिल जाएगा. यहाँ पर भी 180 को मैं 3 से डिवाइड करूँगी तो हमें 60 मिलता है. तो सिमिलरली यहाँ पे 30, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पाई बाय 6. तो 6 से 180 को डिवाइड करो, यहाँ पे मैं आपको बताने के लिए कहती हूँ, 6 3 ज़ार, तो हमें यहाँ पे 30 डिग्री मिल जाता है. तो ये थोड़ा सा जो वैल्यूज़ है ये आप बाय हार्ट करके रख दो, आपको ये लर्न करना है कि एग्जांपल आया तो हम डायरेक्टली ऐसा मल्टीप्लाई नहीं करके डायरेक्ट हम ये डायरेक्ट पाई बाय 4 भी लिख सकते हैं. तो ये अगर आपको याद होगा थोड़ा सा ये याद करके रख दो. नहीं याद हो रहा है तो मैंने अभी बताया आपको कि 180 को 2 से डिवाइड करो तो 90 आता है, 180 को 3 से डिवाइड करो तो 60 आता है. तो इस तरह से आप ये ऐसे भी ध्यान में रख सकते हैं. तो थीटा इज इक्वल टू, अभी हमें मिला 45 डिग्री है तो पाई बाय 4 एंड रेडियस वी आर गिवन दैट इज 12 सेंटीमीटर. तो यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर जो है दैट इज हाफ आर स्क्वायर थीटा. सो एरिया ऑफ, ये जो फॉर्मूला है दैट इज एरिया ऑफ सेक्टर इज गिवन बाय हाफ आर स्क्वायर थीटा एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB इज गिवन बाय हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा. सो दिस इज द फॉर्मूला, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा. सो यू हैव टू learn these two formulas. So difference between the area of sector and area of triangle AOB. So हम कैसे find out करेंगे, directly हमने यहाँ पर formula लिखा है, that is half r square theta, ये area of sector minus area of triangle का जो formula है वो है half r square sin theta. तो दोनों में से हम half r square common निकाल सकते हैं. तो मैंने यहाँ पर half r square common यहाँ पर निकाला ये वाला. तो ब्रैकेट में क्या रहता है, दैट इज थीटा माइनस साइन थीटा. नाउ वी गोइंग टू पुट डाउन दिस वैल्यू, हाफ इंटू आर इज 12 स्क्वायर एंड थीटा वी हैव गिवन दैट इज, अभी हमने फाइंड आउट किया उसको, दैट इज पाई बाय 4. तो यहाँ पे आ जाएगा पाई बाय 4 माइनस साइन थीटा का वैल्यू है पाई बाय 4. तो हाफ इंटू 144 12 का स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस द साइन पाई बाय 4 का वैल्यू है 1/√2. तो यहाँ पे आएगा 72 इंटू, अभी यहाँ पे मैंने एलसीएम लिया है वो है 4√2 टेकिंग क्रॉस. तो यहाँ पे मिला मुझे √2π-4.
सो फोर 18 4 18 4 18 72, तो यहाँ पे तो अभी देखो यहाँ पे क्या आया है, दैट इज 18 रूट टू पाए माइनस फोर अपॉन रूट टू। तो अभी डिनोमिनेटर में हम देखते हैं कि सर्ड आया है, ये जो कंसेप्ट है वो आपने आई थिंक 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, रूट टू। सो रूट टू इज़ ए इरेशनल नंबर, इसको हम रूट सर्ड भी कहते हैं। तो ये रूट टू को मुझे रिमूव करना है डिनोमिनेटर से। सो रिमूव करना है मतलब हमें इसको रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। सो फॉर रैशनलाइजेशन आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई दिस न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय रूट टू। तो मैंने दोनों को मतलब न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को रूट टू से मल्टीप्लाई किया है, सो दैट देर विल बी नो एनी चेंज इन आवर एग्जाम्पल। ठीक है, क्योंकि ये रूट टू को कैंसिल होगा तो एग्जाम्पल में कोई चेंज नहीं है। तो अभी क्या आएगा वो देख लो, 18 ऐसे ही रहेगा, ये रूट टू इंटू रूट टू तो वी गेट टू, ओनली टू वी गेट, सो स्क्वेयर रूट विल गेट रिमूव। यहाँ पे रूट टू इंटू रूट टू दैट इज़ टू एंड दिस पाई इज एज इट इज़ एंड फोर रूट टू, तो ये यहाँ पे आया है। नाउ न्यूमरेटर में से हमने टू को कॉमन निकाला है, तो इन ब्रैकेट विल गेट पाए माइनस टू रूट टू अपॉन दिस टू, सो टू टू विल गेट कैंसल, सो 18 इज आउटसाइड इन ब्रैकेट पाए माइनस टू रूट टू सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस एग्जाम्पल। सो दिस इज ऑल अबाउट द एग्जाम्पल नंबर 7, अप टू 7 एग्जाम्पल्स फ्रॉम दिस एक्सरसाइज, ओनली 3 एग्जाम्पल्स रिमेनिंग, 8, 9, 10। सो दिस विल यू सी इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।